हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज भाई साहब बड़े लंबे समय के बाद हम लेके जा रहे हैं अपने ट्रैक्टरों को वॉशिंग पे, उनको सबको धोने के लिए। बहुत ही लंबे समय से रखे हुए हैं, रखे ही धूल लग गई। मतलब कोई और ख़ास कारण नहीं कि भाई चल गया, कीचड़ में फंस गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं, रखे धूल लग गई है। और ये जो 3DX आप देख रहे हो पीछे, ये मशीन भी नहीं चल रही क्योंकि हमारे पास अभी एक ऑपरेटर की कमी है, जिसके कारण से हम जो है एक ही मशीन चला रहे हैं। जो चल रही है 4x4 वो रेगुलर साफ भी होती रहती है, बट जो नहीं चल रही है वो रखे वो भी धूल खा रही है। तो ऐसे करके हमारे 4x4 दोनों ट्रैक्टर और JCB ये काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो इनको वॉश करने के लिए ले जा रहे हैं हम एक नदी पे और वहाँ पे हम प्रॉपरली वॉश करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो यार, जिसने नहीं किया ना सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये खड़ी है हमारी एक 10 टायर, 2 टायर फटे यार कल इसके, बहुत नुकसान हो गया और जिसमें से एक ये लगा हुआ है फटा फुटाया। और एक तो जुगाड़ तुगाड़ करके, मतलब दूसरी गाड़ी की स्टेप नहीं डाल के इसको चला लिया, बट अभी जो है हमको एक टायर ख़रीदना पड़ेगा और स्टेप नहीं बनाना पड़ेगी तभी ये गाड़ी जा पाएगी। बहुत बुरी हालत में है गाड़ी, टायरों के बिना यार ऐसा होता है जैसे कि क्या ही बोलो, एक जोड़ा पूरा ख़रीदना पड़ेगा हमको। तो भाई सामने आप देख रहे हो ये हमारी 3DX बहुत दिनों से खड़ी हुई है, तो धूल ही धूल हो गई। ऐसे आपको कलर से समझ में आ रहा होगा जैसे कि पुरानी सी मशीन हो, जबकि 3 साल ही हुए हैं मात्र इसको और ये इतनी बुरी हालत में होगी देखो। और ये ट्रैक्टर, ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, लेकिन अगर इसको देखोगे ना आप, ये तो बहुत बुरी हालत में, देखो क्या बुरी हालत रखी है। रखे हुए हैं क्योंकि जब तक खेती का काम नहीं आएगा तब तक क्या ही चलेंगे। और ये देखो क्या लिखूँ यहाँ पर, लाइक उल्टे हाथ से, आज जो है इन सबको दो डालेंगे, एक को भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से दो डालेंगे, 1, 2, 3, 4 चार चीज़ें धोनी है और इनको लेके चलेंगे हम नदी पे। तो भाई साहब अभी दोनों ट्रैक्टर हमारे 4x4 सामने खड़े हैं, तो आप देखोगे कि इसका फ्रंट एक्सल और इसका फ्रंट एक्सल दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये डिज़ाइन जो देख रहे हो आप, ये वाली डिज़ाइन, ये ठीक है, इसमें इसका जो क्रॉस है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे ना ये क्रॉस जो है दिख जाता है। इसके अंदर कीचड़ भर जाती है, साफ़ करने में भी दिक्कत आती है, उसके अंदर भरेगी नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था छोड़ी ही नहीं है। देखो भर भी जाएगी ना, इतनी मतलब इतनी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये वाला जो है CNH मतलब केस न्यू हॉलैंड जो है, तो न्यू हॉलैंड ने खुद बनाया है, और ये वाला जो है करारो का है, ये अलग से जो है कंपनी ने लिया है और ये कंपनी खुद बनाती है। बहुत फ़र्क है यार, लोहे में भी बहुत फ़र्क है। सब हम लोग निकल चुके हैं और आगे आगे जा रही है मशीनें और पीछे पीछे हम जा रहे हैं बाइक से। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये हमारी बाइक रॉयल एनफील्ड और ये लोग खड़े क्यों हो गए, क्या हुआ, चलो ना।
तो भाई साहब मार्च का महीना चल रहा है और एकदम से मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, गर्मी आ गई है, अच्छी बात है, धूप लगने लगी है और चले वाले कटने लगे कुछ लोगों के, सामने प्रेशर आ रही है देखो, लेकिन हमारे इधर नहीं कट रही, सूखे क्षेत्रों में कट रही है और जिन लोगों की कटने वाली है वो लोग तैयार करवा रहे हैं। जैसे ये देखो ये चने की फसल है और ये गेहूँ जिन्होंने पहले बो दिया था ना वो पक गई है फसल, बगल में देखो ये हरी है। बेर इनमें धूल लगी है भाई, पके तो हैं लेकिन धूल ही धूल हो रही है, सड़क किनारे है ना बेरी, इसलिए खाएं कि ना खाएं बहुत बड़ी समस्या है, ये खा सकते हैं। तो भाई साहब ये रही नदी और पानी वहाँ पे है, काफ़ी सूख चुकी है और ये रही मशीन है। तो भाई साहब नदी पे तो पहुंच गए, अभी हमारा निरीक्षण चल रहा है कि गहराई कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हमें गहराई से दूर रहना है, बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी है वहीं पे हो जाए, लेकिन यहाँ पे कम पानी है तो यहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है, उसको मिल गई जगह सही, चलो लेके चलते हैं। अब देखो ये संतो भैया के घुटने दिख रहे हैं ना, बहुत दूर दूर तक है, इससे ज़्यादा पानी नहीं है।
भाई साहब हम खड़े हैं नदी के किनारे पे और अंदर धुलाई चल रही है बहुत ही शानदार वाली। ये देखो मशीन से धो रहे हैं, मशीन से ऐसे पहिए से उचका उचका के धुलाई चल रही है। अभी देखो आप कितनी शानदार, मतलब मशीन जो है पानी उड़ा रही है, हाथ से डालने की जरूरत ही नहीं है। देखो गाइस जेसीबी का बूम ऐसे ऐसे कर दिया तो पूरे लहरें उठ गई हैं नदी के अंदर।
तो भाई साहब हमारा धुलाई का कार्यक्रम हो गया ख़त्म, और धुलाई तो हो गई लेकिन अधूरी हुई क्योंकि यहाँ पे ना पानी में बहुत कीचड़ है, तो थोड़ी सी मशीनें गंदी अभी भी महसूस हो रही हैं। तो हम एक बार और धोएंगे कहाँ पे, अपने यार्ड पे जाके साफ़ पानी मोटर का मार देंगे। बाकी जो क्लीनिंग होना थी वो तो हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं यार्ड पे और एक बार थोड़ा साफ पानी मार देते हैं, ठीक है। ये जा रही है हमारी मशीन और ये खड़े हैं तीनों ट्रैक्टर जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं, और हम भी रेडी हैं चलने के लिए।